अब तक आपने देखा कि मिसेस कौशिक जो स्वभाव से सख्त और अनुशासन प्रिय हैं, अपने पांचवे बेटे कार्तिक के लिए लड़की देखने जाती हैं। वहाँ एक अनजान लड़की आकर कार्तिक को थप्पड़ मारती है और कहती है कि कार्तिक उससे प्यार करता है और उसे धोखा दे रहा है। कार्तिक इस अनजान लड़की को पहचानने से इनकार करता है। मिसेस कौशिक कार्तिक को अपने आप को सही साबित करने के लिए ठोस सबूत लाने को कहती है। इधर हम देखते हैं कि वो अनजान लड़की कोई और नहीं बल्कि तानिया की दोस्त लवली है, जिसने तानिया और अभय के प्यार की खातिर ये सब झूठ मूठ का नाटक किया। लवली, आप इस दुनिया की सबसे बड़ी झूठी नंबर वन। अब आगे। अब तुझे क्या हुआ, क्यों हंस रही है? कुछ नहीं यार, वो जो नौटंकी की ना तेरे घर में, वो याद आ गई। तड़क। वाकई इसकी एक्टिंग अवार्ड विनिंग थी। अब ये तेरा थिएटर एक्सपीरियंस ही है हा? जिसकी वजह से आज हम दोनों बच गए। ओ गॉड, अब है मैं सोच भी नहीं सकती कि लवली इस हद तक जा सकती है, वो भी सिर्फ एक फ्रेंड के लिए। तान्या, अभय मेरे लिए भाई से कम नहीं है, दुनिया में कहीं भी होता है ना, लेकिन राखी के दिन मुझसे राखी बनवाने जरूर आता है। तान्या, तुझे ना सोशल नेटवर्किंग का थैंक्स करना चाहिए, जिसकी वजह से कार्तिक के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकी। इन्फॉर्मेशन की बात अलग है यार, लेकिन उसे इतने दबंग तरीके से और सबके सामने पेश करना, ये बहुत मुश्किल है। Hats off to you, lovely. एक बात तो अच्छी हो गई कि सब कुछ प्लान के मुताबिक अच्छे से हो गया, बस उस लड़के का और उसके परिवार वाले के इमोशंस ना खामखाई हर्ट हो गए। आज तेरी वजह से वो रिश्ते की बात तो टूट गई, लेकिन मेरे और अभय के रिश्ते की बात बस मेरे पेरेंट्स के हाँ पर निर्भर है, जो कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है यार। तुम लोग भी ना यार, जब एक नदी पार कर ली है ना, तो बाकी सब भी हो जाएंगी। टेंशन क्यों लेते हो यार, मैं हूँ ना, और लवली के पास ना हर मर्ज की दवा है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। एक मिनट, साफ साफ बता, अब तू क्या करने वाली है? मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये जो कुछ भी हुआ है उससे माँ कितनी परेशान है। आज तक मुझसे कभी इतना नाराज नहीं हुई। इस बिगड़ी बात को संभालने के लिए मुझे वाकई कुछ करना होगा, पर क्या? वेरी सिंपल, घर से भाग के शादी कर लो। देख तानिया, ये तू भी जानती है और ये मैं भी जानती हूँ कि तुम्हारे परिवार वाले इस शादी के लिए कभी हाँ नहीं करेंगे, लेकिन अगर शादी कर लोगे ना तो झक मार के उनको रजामंदी देनी ही पड़ेगी। तुझे याद है वो मंदिर जो छोटे चौपड़ के पास है? बस उसी मंदिर में ऐसी शादियाँ होती हैं, और वहाँ का जो पंडित है ना, वो शॉर्ट नोटिस पे सब कुछ करवा देगा, सारा अरेंजमेंट इमीडिएटली। मैं तो कहती हूँ कल सुबह ये शुभ काम कर ही डालो। सुनो, मैं क्या बोलती हूँ कि ये सब करने से पहले क्या हम एक बार घर वालों से बात कर ले? तुम लोग हिंदी फिल्में देखते नहीं हो क्या? उसमें हीरो और हीरोइन ना ऐसे भाग के शादी करते हैं, और ये जो कहानियाँ होती है ना फिल्मों में, ये आसमान से नहीं आती, ये तुम जैसों की जिंदगी से ली जाती है। तान्या, अब सब कुछ फाइनल हो गया, कल सुबह तो तैयार हो जाना, दैट्स इट। वैसे एक बात बताओ, तुम दोनों सच्ची में प्यार करते हो या फिर? बेशक। तो टेंशन सॉल्व यार, कहते हैं ना कि प्यार में और जंग में सब कुछ जायज है। और तान्या, मैं तो कहती हूँ ना, इससे पहले तेरे पेरेंट्स तेरे लिए दूल्हा लेके आ जाए ना, तो उनसे अपने इस दूल्हे को मिला दे, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब तुम दोनों गुप्त विवाह कर लो। आई मीन सीक्रेट मैरिज। जीने मरने के वादे मुझसे किए, सबके सामने कहा वी आर मेड फॉर ईच अदर, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, और आज पहचाने से इनकार कर रहे हो। नहीं, जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मैं क्यों डरूं? मेरी भाभियों ने तो साफ साफ तौर से मुझे कह दिया है
कि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। पता नहीं मेरे भाई सा लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। हमें तो लगता है ऐसा जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हमारा गुड्डू कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। मासा को देखिए कितनी परेशान लग रही हैं। हमारा मन कहता है कि जाकर बात करें, शायद मन हल्का हो जाए। एक और बात है, पता नहीं क्या चक्कर है। क्या सा कुछ कहा? पता नहीं 75 रुपए गए तो कहाँ गए, हिसाब समझ में नहीं आ रहा है। तुम कुछ कह रही थी? नहीं कुछ नहीं सा। क्यों जी, कुछ नहीं का क्या मतलब? आखिर एक अनजान कुड़ी हमारे गुड्डू के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? बिट्टू जी, कहीं वो लड़की मिल जाए ना तो घुमा के एक थप्पड़ दो। जाइए पहले कुल्ली करके आइए। निम्मी देवी जी एकदम सही कह रही हैं आप। पता है अगर आप वहां पे होती ना तो किसी की इतनी सी भी हिम्मत नहीं होती कि हमारे घर वालों के बारे में जरा सी भी बात बोल पाता। हाँ वो क्या है ना बिट्टू जी, अब अकेले निम्मी कहाँ कहाँ जाए, और फिर मुझे अपने बच्चों से फुर्सत मिले तब ना। हाजिर आ गया कहाँ? कहीं भी नहीं मिली फुर्सत। फुर्सत निकाल कर मैं पता तो लगा कर रहा हूँ कि आखिर वो लड़की है कौन जिसकी वजह से हमारे घर में इतना कुछ हो गया। नहीं नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल आई गई नहीं होने दूंगी। सिमरन तुम शांत रहो, तुम अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो। मैंने माँ को इतने सालों में पहली बार गुड्डू से इतनी बुरी तरह नाराज होते हुए देखा है। लगता है कि उन्होंने उस अपमान को अपने दिल से लगा लिया है, और ये सब कुछ उनके चेहरे से साफ साफ नजर आता है। आदि, मॉम जी को इतना अपसेट होने की कोई जरूरत नहीं थी। मान लो कि वो लड़की सही है और कार्तिक ने अपना प्यार छुपा के रखा, इसमें क्या बड़ी बात है? रिया, तुम्हें पता है सब लोगों में ना मुझ जैसी हिम्मत नहीं होती कि अपने माँ बाप से कह सके कि वो किसी से प्यार करता है। अच्छा, मुझे सब याद है। I was so scared at that time. इसलिए मैं कार्तिक को ब्लेम नहीं करती। वो मॉम जी को नहीं बता पाया होगा। वैसे भी उन्हें कुछ कहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। अब बोल भी दोसा, क्या कहना चाह रहे हो? हम इतनी देर से देख रहे हैं कि बस कुछ सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो। अब बोलने के लिए भी क्या मुहूर्त निकालना पड़ेगा हमें? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये सच है कि हम जो कहना चाहते थे हम सबके सामने कह नहीं पाए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप अपने बेटे पर इतना शक क्यों करें? आपको क्या लगता है कि ये सब करके हम खुश हैं? कि मामला सिर्फ हमारा अपना नहीं है, किसी दूसरे परिवार की बात है, उस लड़की की बात है जिसका हमारी वजह से अपमान हुआ, उसके माता पिता का अपमान हुआ। हमें तो उन बेचारों से माफी मांगने तक का मौका नहीं मिला। ये देखिए शिबू भैया, ये वही आर्टिकल है जिसकी मैं बात कर रहा था। टाइम निकाल के इसे पढ़िएगा जरूर। अरे जल्दी जल्दी, अरे मेरे लाल, जल्दी आओ। चलो सबको बाय बाय कर दिया,
मम्मी को बाय, मम्मी को बाय, बाय। जल्दी नहीं जाएंगे। खुश रहो, जीते रहो। किसे ढूंढ रही हैं? गुड्डू को? नहीं तो? वो किसी जरूरी काम से बाहर गया है। जी नमस्ते। नमस्ते। सुनिए जी, कौन है दरवाजे पे? जी नमस्ते। अब यहाँ क्यों आए हैं? जाइए। जी देखिए, मैं समझ सकता हूँ कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरे यहाँ आने पर किसी को भी बुरा लग सकता है, पर मैं यहाँ पे आपसे सिर्फ माफी मांगने आया हूँ। ठीक, अंदर आइए। जी देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैं उस लड़की को नहीं जानता। मैंने कल से पहले उसे कभी नहीं देखा, फिर भी यहाँ कल जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, और इसके लिए मैं एक बार फिर से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। और ख़ास तौर से तानिया जी की जो बेइज्जती हुई, जिसकी वजह मैं हूँ कि मैं तानिया से खुद बात कर कर कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांग लो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तू अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? लवली, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं जो कुछ भी करने जा रही हूं ना, वो सब मेरे पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ है। देख तानिया, मैं ये भी मानती हूँ कि घर से भाग के शादी करना बहुत गलत बात है, लेकिन अगर तूने ऐसा नहीं किया ना, तो अंकल आंटी तेरी शादी ऐसे लड़के से करवा देंगे जिसे प्यार करना तो दूर की बात, तू शायद अच्छे से जानती भी नहीं होगी। और अगर ऐसा हुआ ना, तो सोच के देख कि कितने लोगों की खुशियाँ दांव पे लग जाएगी। चल ठीक है, अगर तू कहती है ना, तो मैं खुद जाकर अंकल आंटी को सच्चाई बता देती हूँ। ओके? नहीं लवली, मैं अब इसे बहुत प्यार करती हूँ और उसे खोना नहीं चाहती। तो जो बोलेगी, जैसा बोलेगी, मैं करने को तैयार हूँ। तो फिर स्माइल, हंस के दिखा। अब जा, जाके रेडी हो जा, तेरा बैग मैं पैक कर दूंगी। ओके, गो। कौन हो सकता है? जी मैं कार्तिक।
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? देखिए, मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं और कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए होना भी चाहिए जी। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आपसे बात करना चाहता हूं जी। देखिए, जो कुछ भी कल हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने उस लड़की को आज से पहले कभी नहीं देखा। कल जो कुछ भी हुआ उससे आपको और आपके माता पिता को बहुत दुख हुआ है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। देखिए, अगर आप मुझे माफ कर देंगी तो मेरा भी मन हल्का हो जाएगा। क्या करूं, ये तो जाता ही नहीं है। अगर इसे माफ कर दूंगी तो शायद चले जाए। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? यहाँ कुछ और बात है। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें माफ किया, अब जाओ। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच मुझे माफ करने के लिए। मैं जानता हूं कि जो कुछ भी हुआ है उसके बाद आपके और मेरे रिश्ते की बात आगे तो नहीं बढ़ सकती। बट आई रियली विश कि आपको बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिले। ओके, बाय। बच गए आज हम। तानिया, वैसे एक बात तो है, ये बंदा है बहुत समझदार। आई मीन, बिना किसी गलती के तुझसे माफी मांगने घर तक आ गया। पर सच बताऊं, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि बिना किसी गलती के उसे इतनी तकलीफ पहुंच रही है। ओए लवली, तू कहां खो गई? हमें मंदिर भी तो जाना है, चल ना। तूने अब तक चेंज क्यों नहीं किया? करती हूँ बाबा। जल्दी जा, रेडी हो। थैंक गॉड। तानिया, लवली, आराम से।
लड़की कौन है? तानिया इस तरह अपने घर से कहां जा रही है? कौन है ये लड़की तानिया के साथ? हेलो, हाँ बाबा पहुंच रहे हैं। छोटे चौपड़ के पंडित को बोलना कि तैयार रहेगा, हम वहां पहुंचने ही वाले 5 मिनट में। हाँ ओके बाय, चल। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ। रुक सिमरन बहू। जी माँ जी, इस सप्ताह घर की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जी गिन लो, पूरे 10,000 हैं। और तुम लोग आपस में तय कर लेना कि घर में क्या क्या चीजें मंगानी है, और हाँ व्यक्तिगत रूप में तुम लोगों को किन किन चीजों की जरूरत है देख लेना। जी माँ जी। और पाऊ जी की दवाएं तो याद रहेंगी ना? जी माँ जी। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल दी मुझ पर। बड़ी भाभी अब आप ही बोलिए, कहाँ से शुरू करें? घबरा मत सिमी, हम सब तुम्हारे साथ हैं, और हमने तो रसोई के सामान का पर्चा भी बना लिया है। ये लो भाई, मेरी जिम्मेदारी तो टेलीफोन और बिजली के बिल की है, और बच्चों की फीस जो भरनी है ना, वो सब जोड़ के मैं तुम्हें थोड़ी देर में बता दूंगी। जी भाभी। रिया अब तुम भी बोल दो। अरे इसे क्या, इसे तो मेकअप का सामान लगता है और नई डिजाइन के सैंडल्स और बैग। देखा मैंने क्या कहा था। गहना भाभी, क्या हुआ, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सिमी ये परेशानी तो रहेगी ही, जब तक गुड्डू की समस्या का हल नहीं हो जाता। सच वो बहुत परेशान है, और वो देखो मासा कितनी दुखी है। माँ, माँ चलिए, चलिए माँ, चलिए जल्दी चलिए। माँ आपने मुझसे कहा था ना कि आपको सबूत देखना है, तो मैं सबूत लेकर आया हूं। माँ आप चलिए देख लीजिए। माँ आप जानती हैं मैं आपको ज्यादा देर के लिए नाराज नहीं देख सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं माँ, आप चलिए मेरे साथ। आप ये सबूत देखेंगी तो आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। माँ प्लीज आप चलिए, प्लीज माँ। ठीक है चलो। मुझे बहुत डर लग रहा है, सब कुछ तो हो गया ना पीरियड, डर लग रहा है। चल इस विवाह का प्रतिरक्षी हस्ताक्षर कौन करेगा? मैं।
गुटू, गुटू आराम से चलाओ। अरे माँ, हमें वहाँ जल्द से जल्द पहुँचना है। ओम सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वा साध के सरणे त्रिम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब आप दोनों वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। पता नहीं कहाँ लेकर जा रहा है ये। माँ, ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता, आप वहाँ चल के खुद अपनी आंखों से देख लीजिएगा। अब आप दोनों एक दूसरे के गले में वरमाला पहनाइए। अब आप इन दोनों का गठबंधन कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्ति रूपेण संस्थाता।